सही विकास को लेकर मार्गदर्शन बना रहेगा अर्थात इंदौर मेरा है और मैंने इस इंदौर को विकसित किया भी है। हम सब मिलके इस इंदौर में काम करते आए हैं तो आगे भी सब मिलकर के काम करें। भाई राहुल गांधी हार गए अमेठी से, क्या कहना चाहेंगे? मेरा इतना ही कहना है, हार को स्वीकारना भी सीखे। एक जगह से जीत भी गए हैं तो लोकसभा में तो बैठेंगे तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अब वह निभाएंगे। ये 300 प्लस की जो सुनामी आई है ताई, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार अब एमपी में किसके बारे गोपी में गोपी में अब देखेंगे। ये है सुमित्रा महाजन, ये है सुमित्रा महाजन जिनका कहना है वो चाबी सौंपी है, सही हाथों में सौंपी है और मार्गदर्शन लगातार है। मोबाइल मत ले करके सरकार बन रही है, ये बड़ी बात नहीं है। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि कोई भी सरकार जो बनी जिसको 50% के ऊपर वोट मिले हैं, ऐसी केंद्र में बहुमत वाली सरकार हम एनडीए के सदस्यों के साथ बनाने जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा माननीय मोदी जी की और उनके पूरी टीम की ये मेहनत है और कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान की जनता जागरूक होकर के उनके मन में जो राष्ट्र का भाव आया है कि मेरा राष्ट्र, मेरे राष्ट्र का सिर उन्नत रहना चाहिए और मोदी जी ने भी वो जो काम किए हैं उसके लिए एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान की जनता ने वोट रूपी धन्यवाद उनको दिया। ताई राहुल गांधी हार गए, क्या कहना चाहेंगे? ताई आपने कहा था कि राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखने की अभी जरूरत भी है, कुछ दिन और विपक्ष में रहेंगे वो और और मैं चाहूंगी कि इस हार को स्वीकार करते हुए वो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका ये सभी लोग निभाए जो प्रजातंत्र में आवश्यक होती है। तो मेरा विश्वास है ये वो सब बातें समझ करके जो जो लोग विपक्ष में रहेंगे वो एक अच्छा विपक्ष, प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष, रीति नीति को अच्छी तरीके से समझ करके अपनी भूमिका अदा करेंगे। 89 के बाद से लेकर आज का दौर बेटा इतना बड़ा हो गया, अपेक्षा क्या होती है, वो काम करेगा। थैंक यू।